कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड पार्ट वीडियो जो है ये मैं शुरू कर रहा हूँ। 77 तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था सवालों को, अब 78 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 78वां सवाल है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो 78वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहला जो पहली राजधानी थी वो थी राजगीर या गिरिब्रज। 79 में आते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो स्वामी सहजानंद का संबंध भी है किससे है, ये बिहार में किसान आंदोलन से है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। अब 80वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो 80 का पहला सही आंसर हो जाएगा ये, चंपारण विद्रोह जो था पहला था जिसमें उन्होंने इसका प्रयोग सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 81वां है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका निश्चित रूप से होन्सू है, न कि सिकाइकू जिसमें लिखा हुआ है। 81 का बी सही जवाब होन्सू, इसी पर टोक्यो स्थित है। 82वां है, ग्रीनलैंड जो है निम्न में से किस देश का भाग है? तो 81 का ए हो जाएगा, डेनमार्क। 83वां है कि 2018 तक जो है विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी थी? तो 83 का ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 84 है, एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट इन टर्न्स इन 2019? इसका सही जवाब 84 का सी हो जाएगा, चाइना। चाइना जो है पिछले 2-3 साल से सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। आगे देखते हैं, चाइना इसके अलावा भी जो हम खाद्य पदार्थों में भी देखते हैं कई सारे में, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है और भी कई सारे, चावल का, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है ये। 85 में आते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? 85 में सबसे अधिक हो जाएगा, 85 का सी, अफ्रीका। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में आदिवासियों का परसेंटेज, शेड्यूल ट्राइब्स का परसेंटेज किस राज्य में सबसे अधिक है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। मिजोरम में सबसे अधिक आदिवासी हैं पॉपुलेशन में परसेंटेज के हिसाब से। अब हम लोग आगे आते हैं कि 87वां में है, कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा डी, पुलनेज। 88वां है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो 88 का ए हो जाएगा, लेह हो जाएगा। लेह जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ठाणे। 1 करोड़ से अधिक की आबादी है वहाँ पर एक जिले की। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी, देश की आबादी 1 करोड़ से कम है। 89 का है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य जो है, वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पूछ रहा है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर सबसे अधिक है? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, इनमें से महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे सबसे अधिक जो है वो है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, और नेशनल पार्क भी सबसे अधिक अंडमान निकोबार और कहाँ पर, एमपी में है, लेकिन यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछ रहा है, तो सही जवाब 89 का हो जाएगा सी। अब 90 का आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज नॉर्थ फ्लोइंग डायरेक्शन, मैंने उत्तर दिशा में कौन सा बहता है? उत्तर दिशा में कोई नहीं बहता है, इस चारों में से कोई नहीं, सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है, और गंगा में अलग अलग स्थानों पर मिलती है। तो 90 का सही जवाब ई हो जाएगा। 91 है कि निम्न में से निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को जो है अटल टनल पार करती है? तो 91 का डी हो जाएगा, ईस्टर्न पीर पंजाल। 91 का डी हो जाएगा, ईस्टर्न पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज तो हम लोग जानते थे, लेकिन ईस्टर्न पीर पंजाल है ये। 92वां है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये हो जाएगा 92 का सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है 13वां, अभी फिलहाल भारत में 12 बंदरगाह हैं। 93 है कि भारत निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो बिल्कुल सही है, कर्नाटक। 93 का हो जाएगा बी, कर्नाटका करता है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। 94 का है, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा जो है क्या कहते हैं कि सही है? तो 94 का ही हो जाएगा, लाइमस्टोन जो है रोहतास में पाया जाता है, कैमूर में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, लाइमस्टोन कैमूर, वो ए हो जाएगा। 95 है, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो 95 का हो जाएगा डी, वैगन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर। 95 का डी। 96 है कि पिडमोंट बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वयं पाया जाता है? तो 96 का हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
पश्चिमी चंपारण, यही वो इलाका है जहाँ पर हमारी पोस्टिंग जो है पहली बार हुई थी, मधुबन ब्लॉक में। अब आते हैं हम लोग 97 है, 97 नीचे है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी बहती है। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा मुंगेर। गंगा नदी नहीं बहती है, ये हो जाएगा 97 का ए, दरभंगा और मुंगेर। 98 है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 98 कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ई हो जाएगा। 99 है बिहार में कितना वन क्षेत्र है, ये वाला 99 का ए हो जाएगा 7.27%। अगला सवाल है 100, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये भी वेस्ट चंपारण ही है, पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान बिहार का स्थित है। आगे आते हैं, यहीं पर एक सिंगी गेंडा वगैरह को विकसित करने की बात की जा रही थी, और अभी इसमें और काफ़ी कुछ इसमें लेकर प्लानिंग है। 101 है, हाल ही में संसद की जो नई इमारत निर्माण के लिए बोली जो है इसको किसने जीता है। विस्टा प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, तो विस्टा प्रोजेक्ट जो है टाटा, सी 101 का सी होगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। 102 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है। तो इसमें आप लोग को, आप अगर इसको सुन रहे हैं तो कमेंट में इसका उत्तर मुझे बताइएगा। अगला है 103 है, ये कमेंट में मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, एक दो सवाल की इससे पार्टिसिपेटरी मेथड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सही रहता है। और बाकी इस बात का मैंने कई सारे देखे हैं सवाल वगैरह, मैंने देखा, मैंने पहले खुद भी कल ही अपलोड किया लेकिन वो सही से नहीं हो पाया। तो इसको अपलोड करने का मेरा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक 100% के लगभग एक्यूरेट आंसर दिया जाए और साथ ही साथ आपका भी पार्टिसिपेशन हो। 103 सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो ये तो रेखा शर्मा बिल्कुल सही जवाब है, 103 का सी हो जाएगा। 104 आते हैं हम लोग, व्हाट इज मीन्ट बाय रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं। तो 104 का ही हो जाएगा, क्या, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल। 105वां सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। तो इसका हो जाएगा 100 डी, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, अगला सवाल है 106, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कब पास हुआ था। तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही है, 106 का बी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019। 107 में आते हैं, 107 है, लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 107 पे मुझे डाउट है डी है या क्या है, तो इसका जवाब मुझे फिलहाल नहीं पता है। आगे देखते हैं, 108 में आते हैं कि 108वां सवाल है कि 1632 में बिहार के पटना में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो जी बिल्कुल सही, 108 का बी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 108 का सही जवाब बी। 109 क्या है कि निम्न में से विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, तो सी हो जाएगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। 110 है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है। तो ब्रिटिश शासनकाल का ये सीधा सीधा डी हो जाएगा, 1955 में ब्रिटिश शासनकाल कहाँ से आएगा भाई। 111वां सवाल है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य जो है कौन सा खाद्य प्रबंधन का नहीं है, तो एक्सपोर्ट होला होगा, 111 का हो जाएगा डी, सही जवाब हो जाएगा इसका कौन सा, डी, खाद्यान्नों का निर्यात। 112 आते हैं, 112 रेवेन्यू डिफिसिट इन इंडिया एम्प्लाइज टू, तो 112 का सही जवाब हो जाएगा बी। 113वां सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जो है पिछले दो साल से। 113 का सही जवाब ए होगा, यूएसए, पिछले दो साल से ये यूएसए ही है। कुछ लोग चाइना को लेकर कंफ्यूज होंगे कि 101 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर का जो हमको सामान हमारा तो टोटल उनके साथ है, ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसमें 80 बिलियन हमको बेचता है, 20 बिलियन हम बेचते हैं, लेकिन नहीं, पहले नंबर पे यूएसए है। अगला सवाल है 114 है, भारतमाला परियोजना, ये सभी जानते हैं भारतमाला परियोजना किससे है, तो सी, सड़क, एक मिनट, 114 है भारतमाला परियोजना, बिल्कुल सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से ही है, भारतमाला है, सागरमाला है पोर्ट सेक्टर से, तो 114 का सी हो जाएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। 115 में आते हैं,
115वां का है, क्या है, कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक कौन सा जारी करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 115 का सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 116 है व्यवसाय करने की सरलता, 116 का सही जवाब हो जाएगा ए। इस क्षेत्र में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने काफ़ी लंबी लंबी छलांग लगाई, कभी 140 के राउंड हुआ करता था, फिर अचानक से लंबी छलांग लगाकर 100 पे आए, 100 से 77 और सीधे ये 63 पे है। 117वां है कि कृषि के लिए क्या साख का क्या बजट रखा गया है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख को प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है, तो 117 का सही जवाब हो जाएगा सी, 15 लाख करोड़। 18वां है कि पीएम कुसुम योजना, कुसुम का संबंध किससे है, सोलर लाइट वगैरह से है, तो डी हो जाएगा, टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट टू सोलर एनर्जी। 119वें पर हम लोग आते हैं, 119वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक, टॉप 100 में भारत का कौन सा कमर्शियल बैंक आता है, तो ये आता है भारतीय स्टेट बैंक, 55 के आसपास इसकी रैंक है। 120वां सवाल है, भारत सरकार ने 2020-21 में जो निर्विक है NIRVIK, तो ये 120 का डी है, निर्यात क्षेत्र के लिए ये किया गया था। 121वां सवाल है, 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, 121 का हो जाएगा ए, क्या है 121 में कि विल मेक ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द स्टेट ऑनलाइन एंड पेपरलेस। 122 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द कृषि कर्मण अवार्ड टू बिहार, बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, तो इसका हो जाएगा ए, 22 का ए हो जाएगा, हालांकि ए और ई पर डाउट है, लेकिन आप ये ही मानकर चलिए ये इसका 122 का सही जवाब होगा। अब 123 में हम लोग आते हैं, बिहार गवर्नमेंट जो है लॉन्च किया हाल फिलहाल में सतत जीविका को जीविकोपार्जन योजना, तो ये किस लिए है, 23 का सी है, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम जनरेटिंग एसेट्स टू एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड। 124वां का आते हैं हम लोग, क्या है 124वां का है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में, तो पहला 7 निश्चय में क्या था, बाल कल्याण का नहीं बात किया जाता है, 124 का सही जवाब हो जाएगा डी। 125वां का जवाब फिलहाल मुझे इसका पता नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, इसका मेरे हिसाब से जवाब होना चाहिए 125वां का बी होना चाहिए, बाकी आप लोग इसको देख के कन्फर्म कर लीजिएगा। 126वां का है कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो 126 का ए हो जाएगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में इन्होंने पढ़ाई की थी। 127वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट, 1857 की क्रांति में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था, ई हो जाएगा, सबने भाग लिया था। 128 है कि ये नेहरू जी का कोटेशन है कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है, ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन, तो ये किसके बारे में इन्होंने कहा था, 128 का डी, 1935 का अधिनियम के बारे में इन्होंने कहा था। फिर अगला है 129, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो ये दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। 130वां सवाल जो है थोड़ा सा ट्रिकी है कि गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन है, रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, गलत जवाब है ये, इसका हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव, बिस्मिल कुछ करके एक और हैं, वो इनके रचयिता है, गाया जरूर, इसको फेमस जरूर किया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। 131वां है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, आगे चलकर विदेशी वस्त्रों की होली वगैरह जलाई गई थी, और इसको लेकर गांधी जी में और टैगोर में जो है संवाद भी हुआ था, तीखा संवाद हुआ था, टैगोर जी ने कहा था कि भाई ये जो है निष्ठुर बर्बादी है विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, जिसके जवाब में गांधी जी ने कहा था विदेशी वस्त्रों के साथ किया जाने वाला यही सबसे अच्छा व्यवहार है। तो खैर 131 का हो जाएगा बंग भंग आंदोलन के उसमें चलाया गया था, 131 का सी, स्वदेशी आंदोलन। 132वां सवाल है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में वकील जो हुए थे, 132 का बी, भूला भाई देसाई हुए थे। 133 का हो जाएगा वही स्टुटगार्ट हो जाएगा, जर्मनी का एक शहर है। 134 है कौन सा जोड़ा सही है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रह नहीं पहले थे, द्वितीय जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। CR दास को दीनबंधु कहते हैं, बिल्कुल सही, देशबंधु कहते हैं, सॉरी दीनबंधु एंड्रयूज को कहते हैं, देशबंधु CR दास बी सही है। विलियम वेडरबर्न जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट 1907 में नहीं थे ये, हालांकि ये दूसरे अंग्रेज थे जो कि दूसरे यूरोपीय थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन ये 1907 में नहीं हुए थे। जॉर्ज यूल संभवतः पहले थे। देखिए डी में ट्रिक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है जरूर इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन पेरिस में नहीं की थी, ये देखिए पेरिस जो देख रहे हैं पेरिस में इन्होंने नहीं की थी,
बल्कि लंदन में की थी। तो इस प्रकार से 134वां का सही जवाब हो जाएगा बी। 135वां का सही जवाब हो जाएगा 26/1/1930, और इसी को याद में इसी की याद किसी को कॉमोरेट करने के लिए यादगार मनाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को इसीलिए संविधान लागू किया गया था, अन्यथा संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर को ही हो गया था, चार पांच प्रावधान बस बचे हुए थे। 136वां है बिहार की स्थापना, तो 1912, 136 का हो जाएगा बी। 137 का तीनकठिया, नाम से स्पष्ट हो रहा है 3/20, जबरदस्ती उनको एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तीन कट्ठे पर उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, और नील की खेती करने से होता क्या था कि जमीन बंजर हो जाती थी, और इसी के लिए क्या है कि बुलाया गया था, किसको बुलाया गया था, महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था कि देखिए भाई हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। सवाल अगला है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे 138 का हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इसका सही जवाब होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो सही जवाब होगा इसका श्री कृष्ण सिंह। 139वां है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो 139 का ए हो जाएगा, पटना में रखा गया था, बांकीपुर 1912, गया में 1922 में हुआ था। मैंने जो कांग्रेस के अधिवेशन है उसमें ये डाला था एक वीडियो में, आप उसमें देख सकते हैं, साथ ही साथ गेस्ट टॉपिक्स भी मैंने डाले थे बीपीएससी के लिए, तो आप उसमें से देखेंगे कि कम से कम करंट अफेयर्स से तो काफ़ी कुछ मैच कर गया है गेस्ट टॉपिक। उसके बाद आइए 140वां सवाल था, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो 140 का सही जवाब हो जाएगा बी, लोकनायक। अब इसके बाद है 141 से 150 तक मैथ है, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मोटा मोटी रफली मैं इसका आइडिया आपको दे देता हूँ आंसर। 141 का सही जवाब हो जाएगा सी, 142 का सही जवाब हो जाएगा बी, 143 जो है 143 का सही जवाब सी, एम एन बिल्कुल सही, 144 जो है 144 का सही जवाब हो जाएगा ए, 145 बाकी आप मैथ को खुद से भी बनाकर देख सकते हैं, 145 का सही जवाब क्या होगा, 145 का सही जवाब हो जाएगा बी, 146 है, 146 का 146 वैसे मैथ्स जो है मैंने खुद से बनाया ही नहीं है, ये मैंने दूसरे से हेल्प ली है और उन्हीं से आंसर मैंने लिया है। 146 का सही जवाब हो जाएगा 155 डिग्री, तो 146 का हो जाएगा सी। 147 का हो जाएगा, 147 का सही जवाब हो जाएगा आपको, 147 का सही जवाब हो जाएगा बी, मेरे विचार से बी। 148 का सही जवाब हो जाएगा बी, 3 और 2, 149 है, 149 का सही जवाब ए, और 150 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ए। तो ये था बीपीएससी 66वीं बीपीएससी जो कल हुई थी एग्ज़ाम, उसका सॉल्यूशन है। मैंने कोशिश की है कि अधिकतम लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर प्रोवाइड किया जाए। काफ़ी कुछ मार्केट में ऐसा चल रहा है जिसमें कि मैंने देखा कि काफ़ी कमियां हैं, कई गलतियां हैं, उन्हें दूर करने का मैंने प्रयास किया है, या प्रयास कहां तक सफल रहा है इसको आप बताएंगे। और साथ ही साथ आप मेरे YouTube चैनल से भी आप मदद ले सकते हैं, इसमें मैंने जो कुछ गेस्ट टॉपिक्स किए थे वो ठीक ठाक लग गया है, बाकी हिंदी साहित्य में आप मेंस में उससे सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।